हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी का निकलने वाला रथ यात्रा इस वर्ष 7 जुलाई को निकलने जा रहा है। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिलती है। भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी कई रोचक कहानी है, क्या कभी आपने उनके बारे में जानने का प्रयास किया है? अगर नहीं तो आज हम उनके बारे में कई ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल भगवान जगन्नाथ जी के प्रति लोगों की आस्था अपरंपार है। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के ही 8वें अवतार हैं। काफी दूर दूर से लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं और अपनी सारी मनोकामना को मांगते हैं। यह बात आप शायद ही जानते होंगे कि भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा लकड़ी से बनी होती है, वह भी एक खास लकड़ी से बनी होती है। जब इसको लेकर सौरभ मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनके पीछे कई रोचक कहानी है। इसके साथ ही पुराणों में भी इसका वर्णन है। दरअसल भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार किया गया था, उसके बाद ही भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इससे जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। आपको बता दें कि उनका नाम जगन्नाथ क्यों पड़ा है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि उनका नाम जगन्नाथ क्यों पड़ा है? तो आपको बता दें कि भगवान के आंख के ऊपर पलकें नहीं होती है। उन्होंने स्वप्न में कहा था कि मेरे आंख के ऊपर पलक नहीं होनी चाहिए, मैं हमेशा जगा रहूंगा और अपने भक्तों पर नजर बनाए रखूंगा, तभी से इनका नाम जगन्नाथ पड़ा। वहीं इनका हाथ भी सामने होता है। इनका यह प्रतीक है कि हम भक्तों को आशीर्वाद नहीं बल्कि उनको गले लगाएंगे, इसलिए उनका हाथ हमेशा गले लगाने की ही अवस्था में नजर आता है। भगवान जगन्नाथ जी का हाथ सामने रहता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? भगवान जगन्नाथ की ये कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में ये लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुए, जो नीम के लकड़ी के भगवान जगन्नाथ का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा कराया गया था सर्वप्रथम। और इसमें भगवान कृष्ण ने देह त्याग के समय अपने आधे अवशेष को जो है धरती लोक में ही छोड़ दिया, जिसके बाद से नदी से बहा के जो है समुद्र में डाला गया। और भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न दिए कि हमारे मंदिर का निर्माण कराया जाए। राजा इंद्रद्युम्न ने रात्रि स्वप्न के बारे में अपने सेनापति से कह के समुद्र किनारे गए तो उन्हें एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा प्राप्त हुआ, जिसे हाथियों के द्वारा वो लाए और अपने राजमहल में निर्माण कराने के लिए लकड़ी के कारीगर जो विश्वकर्मा स्वयं उस समय धरती पर अवतरण होकर वेश धारण करके निर्माण करने के लिए आए थे। और इसमें उन्होंने यह शर्त रखा कि कोई भी यह मूर्ति निर्माण को नहीं देखेंगे और ना ही इस कमरे को खोलेंगे। कुछ महीने बीतने के बाद रानी को जिज्ञासा हुई कि कारीगर सही सलामत नहीं है, और उन्होंने राजा से आग्रह करके उस किले के गेट को तोड़वा दिया, जिसमें भगवान विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और यह आधे अधूरे मूर्ति राजा को दिखाई दिया। फिर राजा को भगवान स्वप्न दिए कि हमें इसी अवस्था में जो है इस मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित करें और राज्य के सभी प्रजागण हमारे पे जो हाथ है उनका क्या है? उसी समय भगवान जो है उनको स्वप्न में बताए कि यह हम आशीर्वाद देने के लिए नहीं, हम सिर्फ सभी को गले लगाने के लिए ये हाथ को सामने रख रहे हैं और हमारे आँख में किसी प्रकार का पल नहीं रहेगा, हम हमेशा निरंतर जगे हुए रहेंगे, इसीलिए हमारा नाम जगन्नाथ रहेगा। भगवान अपना नामकरण स्वयं किए राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में, तभी से राजा ने इनकी रथ यात्रा उस आधे अधूरे विग्रह की निकाली, तभी से यह रथ यात्रा की परंपरा भी भगवान जगन्नाथ की शुरू हुई। और भगवान जगन्नाथ दोनों हाथ खड़ा करके भक्त से आग्रह करते हैं कि तुम हमसे गले मिलो, किसी प्रकार का जो भी परेशानी है तुम्हारा, नवग्रह की शांति भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से हो जाती है, ऐसा पद्म पुराण में भी वर्णन किया गया है। अच्छा, इनके रंग के पीछे की कहानी? इनका रंग श्याम वर्ण मतलब काला इसलिए है कि चूंकि ये कृष्ण का जब देह त्याग के समय उनका अग्नि संस्कार किया गया था, जिसमें अवशेष जो है नदी में बहाया गया, तो वह पूरी तरह से काला था और जो लकड़ी का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ था वो भी बिल्कुल काला था, जो कि नीम का लकड़ी वहाँ के कारीगर ने बताया नीम का लकड़ी है। और वहाँ अभी भी जगन्नाथपुरी में आपको देखने के लिए नीम के लकड़ी का भगवान जगन्नाथ वहाँ पे 10 साल में एक बार उसमें शंख चक्र का छाप होता है और भगवान का 12वें साल में प्रत्येक वर्ष नया मूर्ति का निर्माण कराया जाता है।